कि जालियों की चमक देख कर, जालियों की चमक देख कर, जालियों की चमक देख कर, शहद की दिलकशी देख कर, चमक देख कर, शहद की दिलकशी देख कर, चालियों में चमक देख कर, शहद की दिलकशी देख कर, चालियों में चमक देख कर, भूल जाओ दिल तेरे परे, मुस्तफा की गली देख कर, भूल जाओ दिल तेरे परे, मुस्तफा की गली देख कर, ये खुलते परे मुस्तफा की गले, और अच्छा भाई बात का बात का बात और अच्छा वाह वाह इतना सारा चॉकलेट लाया तुम कहां से? कह दे सुभान अल्लाह। भूल जाओ खुलते परे मुस्तफा की गली देख कर, भूल जाओ खुलते परे मुस्तफा की गली देख कर, शार में सुना रहा हूँ, सुनिए और बिल्कुल सुकून से सुनिए, एक एक मिसरे को सुनिए और सुभान अल्लाह कहिए, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सुनिएगा आशीष आगे बढ़ता है और क्या कहता है, सुनिएगा। भूल जाओ खुलते परे मुस्तफा की गली देख कर, भूल जाओ खुलते परे आशिक पैदा होता है नबी की मोहब्बत में जीता है, लेकिन दुआएं वो करता क्या है, ऐ मेरे आका ऐ मेरे मौला, मौत का वक्त हो आपका चेहरा सामने हो तो फिर मौत का मजा क्या होगा, है कि नहीं? आशिक क्या कहता है सुनिएगा, आखिरत भी सबर जाएगी, आखिरत भी सबर जाएगी, आखिरत भी सबर जाएगी, जिंदगी भी निखर जाएगी, आखिरत भी सबर जाएगी, जिंदगी भी निखर जाएगी, आखिरत भी सबर जाएगी, निकले वतन से मेरे, रूह निकले वतन से मेरे, काश रूह नबी देख कर, रूह निकले वतन से मेरे, काश रूह नबी देख कर, रूह निकले वतन से मेरे, काश
गले देख कर। और एक अच्छा शेर सुनाऊं सुनाऊं, आज कुछ पैसे आ जाने के बाद लोग अमीरी दिखाने लगते हैं, गरीबों को तो ऐसे देखते लगता है कि कुछ है ही नहीं उसके सामने, है कि नहीं। लेकिन आका ने हमें पैगाम क्या दिया है, समाज करें ये मिश्रा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल मचलेगा। आका अगर चाह लेते तो सोने के पहाड़ से आवाज आती थी कि ऐ मेरे आका आपका हुक्म हो तो मैं सोना बनकर आपके साथ साथ चला करूं, है कि नहीं। लेकिन मेरे आका ने कहा नहीं, ये पैगाम हमें उम्मती को नहीं देना है, बल्कि गरीबी में जो जिंदगी गुजर होती है उससे अच्छी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन आका की उम्मत है, समाज कीजिएगा मोहब्बत के साथ साथ। आका चाह लेते तो कैसे क्या हो सकता था, सुनिएगा रब के वो कितने महबूब थे। एक एक दुआ अगर कर लेते वो चाह लेते तो मेरा रब रब चाचा क्या से क्या कर देता, महबूब की मर्जी में। सुनिएगा मोहब्बत के साथ साथ किन्नो शाये अरे शेजा बोल बोल बोला, सूखी रोटी या मेरे भी गजा। सुनिएगा नो शाये अरे शेजा बोल बोल बोला, सूखी रोटी या मेरे बादशाही कुर्बान है, बादशाही कुर्बान है, आपकी सादगी है, बादशाही कुर्बान है, आपकी सादगी है, बादशाही कुर्बान है, आपकी सादगी देख गए। शेर तो बहुत है, यकीनन ऐसे ऐसे शेर बहुत कम सुनने को मिलता है आजकल, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं एकदम गर्मा गर्म चाहिए सब चीज, है कि नहीं। अच्छे शेर अब बहुत कम पढ़ा जाता है। एक और अच्छा शेर सुनाऊं अगर आपकी इजाजत हो, शेर सुनाऊं जरा मोहब्बत से कह दें या अली, और एक बार कह दें या अली। सुने मोहब्बत के साथ जिस अली का नाम लेने से हर बलाएं दूर हो जाती है, वो अली की बारगाह में चलते हैं। और एक शेर सुनाते हैं बहुत अच्छा शेर, जरा कह दें सुनिएगा। फातिमा भी सरताज है, सुनिएगा, फातिमा भी सरताज है, और आका के दामाद है, फातिमा भी सरताज है, और आका के दामाद है, सरताज है, और आपके दामाद है, जो फातिमा भी सरताज है, और आपके दामाद है। अरे रश्क करते हैं, रश्क करते हैं अहले सुन्नत, रश्क करते हैं अहले सुन्नत, शान मौला अली गए, रश्क करते हैं अहले सुन्नत, शान मौला अली गए, रश्क करते हैं अहले सुन्नत, शान मौला अली गए। शायर तो दुनिया में बहुत पैदा होता है, जब तक दुनिया है पैदा होते रहेंगे,
है कि नहीं? लेकिन लेकिन उस जात का जवाब नहीं जिसे हम आला हजरत कहते हैं, है कि नहीं? अल्लाह सलामत रखे, बड़े लोग बड़ी बात, लेकिन यहाँ कोई छोटा नहीं है, है कि नहीं? सब बड़े लोग हैं। अल्लाह सबों की जिंदगी में पनाह बरकतों का नज़ुल फरमाए। एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा, बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए बहुत अच्छा शेर सुनाने जा रहा हूँ, सुनिएगा। कुछ शायर अगर शायरी करना जान जाए तो घमंड सा हो जाता उनके अंदर, गुरूर सा पैदा हो जाता कि मैंने शायरी सीख ली, लेकिन आला हजरत की जात पे कुर्बान जाए। मैं शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा, जहाँ तमाम शायरों का दम तोड़ जाता वहाँ से आला हजरत का शेर बोलना शुरू करता है। अब शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा मोहब्बत के साथ साथ। भूल जाओ तेरे बने मुस्तफा की गली के गले, महबूब अहले अदब लिखने वाले, महबूब अहले अदब सोच में आला हजरत के शायरी का जवाब है। ना जाने कब मेरे आला हजरत ने शेर लिखा है और आज तक पढ़ा जा रहा है, वही कलाम को लोग बार बार सुनते हैं लेकिन दिल करता है फिर सुना जाए, है कि नहीं? सुनिएगा मोहब्बत के साथ साथ, सोच में गुम अरे रश्क गुप्तार अहमद रजा, रश्क गुप्तार अहमद रजा, आपकी शायरी तेरे बल रश्क कर रे, रश्क गुप्तार अहमद रजा, आपकी शायरी तेरे बल गले दे। अच्छा कुछ भी हो सकता है, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ, कुछ भी हो सकता है। कहते सुभान अल्लाह, और एक बार कह दो सुभान अल्लाह। भूल जाओ कि फूल तेरे बने, भूल जाओ कि फूल तेरे बने, मुस्तफा की गली तेरे बने, भूल जाओ कि फूल तेरे बने, मुस्तफा की गली तेरे बने, भूल जाओ कि फूल तेरे बने। इतने हैरत से क्यों देख रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है? जरा कह दे सुभान अल्लाह। भूल जाओ कि फूल तेरे बने, मुस्तफा की गले दे। मैंने शेर पढ़ा है तो आप मक्ता भी पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर आशिक चाहता है कि आता हमें बुला ले, बस बुला ले, किसी तरह हम वहां तक पहुंच जाए, फिर तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा। कौन सा रसील है? पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी हम पढ़े कहां हैं। वाह बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। कहते सुभान अल्लाह, और एक बार कहते सुभान अल्लाह। अब इस कलाम का मक्ता मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह चलता हूँ दूसरे कलाम की तरफ। इंशाल्लाह सुनते जाए आप मुस्कुराते हैं, अच्छे लगते हैं, जरा मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। सुनिएगा, कि जब बुला मेरा आएगा, क्या बताऊं मैं अजमत रजा, जब बुला मेरा आएगा, क्या बताऊं मैं अजमत रजा,
खुद खुशी पे मचल जाएगे, खुद खुशी पे मचल जाएगे, मेरे लब पर खुशी देगा, खुद खुशी पे मचल जाएगे, मेरे लब पर खुशी देगा, खुद खुशी पे मचल जाएगे, खुशी देख कर। मैं